तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 7 लैपटॉप में वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइस हम कई सारे विंडोज 7 का लैपटॉप को यूज करते हैं तो उसमें वाईफाई को हमें ऑन करके वाईफाई को कनेक्ट करना है तो वही आपको आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइस अभी देख लीजिए कि यहाँ पे जो लैपटॉप की स्क्रीन है वही मैंने ऑन कर दिया है तो इसे हमारा जो विंडोज 7 का लैपटॉप है तो हमें लैपटॉप में वाईफाई को कनेक्ट करना है। लेकिन आपको सबसे पहले लैपटॉप में चेक करना है कि हमारा जो वाईफाई है वही हमारा इंस्टॉल है या नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको कंट्रोल पैनल है वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैं लैपटॉप में यानी कि विंडोज 7 लैपटॉप में कंट्रोल पैनल को ओपन कर देता हूँ और ओपन करके उसमें डिवाइस मैनेजर है वही आपको ओपन करना है और ओपन करके उसमें नेटवर्क एडेप्टर होता है तो उसमें आपको आ जाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि हमारा लैपटॉप में वाईफाई इंस्टॉल है या नहीं है। तो गाइस स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन है तो वही हमारा सही से यहाँ पर ड्राइव है वही हमारा इंस्टॉल है तो वही आपको चेक कर देना है। तो सही से हमारा जो विंडोज 7 का लैपटॉप है तो लैपटॉप में वाईफाई हमारा इंस्टॉल है। तो चलिए हम आ जाते हैं बैक। बैक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं वाईफाई को कनेक्ट करके भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो अभी स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा विंडोज 7 लैपटॉप में अभी कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं है। तो वाईफाई को कनेक्ट हमें करना है तो आपको टास्क बार पट्टी में जो नेटवर्क का ऑप्शन होता है तो उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको कई सारे जो वाईफाई है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका वाईफाई है तो उसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे वेट करना है और वेट करके आपको जो वाईफाई है वही आपका लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस स्क्रीन पर देख लीजिए कि सही से हमारा लैपटॉप में जो वाईफाई है यहाँ पे हमारा कनेक्टेड हो गया है। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और ओपन करके यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे जो इंटरनेट है यहाँ पे चलने लग गया है। तो सही से हमारा इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस आपको आसान तरीके विंडोज 7 लैपटॉप में वाईफाई को कनेक्ट करना है तो इसी तरह आपको आसान तरीके लैपटॉप में वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। डिसकनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको नेटवर्क का ऑप्शन है तो इसमें आपको क्लिक करके जो भी आपका वाईफाई है तो उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको डिसकनेक्ट पे क्लिक करना है तो आपका जो वाईफाई है यहाँ लैपटॉप में डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो चल मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके हमारा जो यहाँ पे वाईफाई डिसकनेक्ट हो गया है। तो आपको इसी तरह विंडोज 7 लैपटॉप में वाईफाई को कनेक्ट करना है तो आपको आसान तरीके वाईफाई ऑन करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।